कोटा में भी सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल का असर देखा गया। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे चिकित्सकों के एक साथ इस्तीफा देने के बाद चिकित्सक कोटा में पीएचसी और सीएचसी से नदारद रहे, जिससे वहां चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई। सेवारत चिकित्सकों की अनुपस्थिति में आयुष चिकित्सकों ने कमान संभाली और मरीजों का इलाज किया। वहीं रेस्मा के डर से हड़ताली सेवारत चिकित्सक भूमिगत हो गए। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी कोटा में मीडिया के सामने आए और सरकार द्वारा वार्ता पर बुलाने और वार्ता को बेनतीजा रहने को सरकार की हठधर्मिता बताई। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय करे ताकि आमजन परेशान ना हो। 911 लोगों ने राज्य में जयपुर में 3 दिन पूर्व इस्तीफा दे चुके हैं। आज सभी लोग अपने काम से अनुपस्थित है, क्योंकि चूंकि हम इस्तीफा दे चुके हैं तो हम काम पे जा नहीं सकते। सरकार बताया हमें काम पे जाना है, तो सरकार आदेश देगी। कोटा में भी सभी जगह हैं, कोटा में भी सभी ये, और कोटा में 240 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं। कोटा संभाग में 600 और राज्य में 8,911 लोगों के हमने इस्तीफे दे दिए। जी जी, जिस प्रकार की वार्ताओं के दौरान बातें सामने आई उससे हम दिग्भ्रमित थे और हमें अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है। हमने राज्य के मरीजों को तो हमें निरंतर सेवा दी है ना, निरंतर मरीजों की सेवा देते हुए हम अपना कार्य कर रहे थे, किंतु राज्य सरकार की अधर्मिता का परिणाम है। राज्य के माननीय चिकित्सा मंत्री के सामने एक अधिकारी बोलता है कि 4 दिन में तो मुख्यमंत्री से हमें मिलता है, फिर 4 दिन बाद मुख्यमंत्री से बात होगी, और 100 दिन के आंदोलन के बाद में ये स्थिति आए। आप समय मांग रहे हो, हम समय देने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें एक एक मांग 33 बिंदुओं पर आप अपना स्पष्ट दे दें कि भाई हम ये मांग इतने दिन में पूरी कर देंगे और लिखित में दे दें, हम तैयार।